कि हिंदू रिलीजन है उसमें खुदा का तस्वर क्या है मतलब क्या क्या गोड्स हैं किन किन गोड्स को लोग मानते हैं और क्या है पूरा ये बताएंगे सो so, फिलहाल सुनते हैं हैं इस वीडियो को देखते हैं कि इनके मानने से या इन्होंने जो स्टडी किया है उसमें क्या चीज इन्होंने पाई है कि क्या है बुक्स में लिखा हुआ हिंदू रिलीजन के बारे में सो so, फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम में ईमान के रुक में यकसानियत सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना ओके okay. हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं कुछ कहेंगे तीन खुदा कुछ कहेंगे दस कुछ कहेंगे सौ कुछ कहेंगे हजार और कुछ कहेंगे तैतीस करोड़ लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीज की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है पेड़ खुदा है इंसान खुदा है सूरज खुदा है चांद खुदा है सांप खुदा है हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है पेड़ खुदा का है इंसान खुदा का है सूरज खुदा का है चांद खुदा का है सांप खुदा का है अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का, का है।, है। सिर्फ का सिर्फ एक अहम फर्क है का का। अगर हम इस का फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे कैसे करना चाहिए जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है सूर्य में सूरा नंबर तीन आयत नंबर चौसठ में तालो इला कल बहना है सबसे पहली बात है अल्लाह नाबदा हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें अब हम तस्करा करेंगे हिंदू मजहब हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद यह है उपनिषद जब हम उपनिषद पढ़ते हैं लिखा हुआ है छंदो उपनिषद में पाठ नंबर छ भाग नंबर दो श्लोका नंबर एकदित हाँ ये सांस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है दूसरा नहीं है लिखा हुआ है श्वेता सितारो में पाठ नंबर श्लोका नंबर नौ में नाचस्य कसिज जनिता नचदिपा, चदीपा जिसके माने उस भगवान उस खुदा का कोई भी रब नहीं है उस खुदा उस भगवान का कोई भी वालदेन नहीं है ना पिता है ना माता है ना बाप है ना माँ है कोई भी रखवाला नहीं है लिखा हुआ है श्वेता श्वेता उपनिषद में पाठ नंबर चार में श्लोक नंबर उन्नीस में न तस्य प्रतिमा अस्ति उस भगवान उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है प्रतिमा की मानी अक्स स्टैचू स्कल्पचर फोटोग्राफ पेंटिंग ये सब प्रतिमा की मानी है उस भगवान उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है ना कोई तस्वीर है ना कोई स्कल्पचर है ना कोई स्टैच्यू है ना कोई बुद्ध है ना कोई पेंटिंग है लिखा हुआ है भगवत गीता में जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है पाठ नंबर सात में श्लोका नंबर बीस में ऑल whose इंटेलिजेंस has स्टोलन stolen मटेरियल material दे वर्शिप डेमी गॉड्स जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुद्ध परस्ती करता है भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर दस में श्लोका नंबर तीन में मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं मेरी शुरुआत नहीं है मैं सारे आलमों रब हो और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद जब हम वेद पढ़ते हैं यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर बत्तीस मंत्रा नंबर तीन में न तस्य प्रतिमा अस्थि उस भगवान उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है कोई भी बुत नहीं है कोई भी अक्ष नहीं है कोई भी स्टैच्यू नहीं है स्कल्पचर नहीं है फोटोग्राफ नहीं है पेंटिंग नहीं है जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर चालीस मंत्रा नंबर नौ में अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म अंधकार में प्रविशंति दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते असंभूति की कुदरती चीजें हवा पानी यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं पूछते हैं जैसे कि हवा पानी आग और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संबूती की पूजा करते हैं संबूती की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें जैसे टेबल okay. कुर्सी बुत वगैरह अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं लिखा हुआ है जजुर्वेद में पाठ नंबर चालीस मंत्रा चैप्टर याद है कि भगवान का कोई भी अक्ष नहीं है और वो पाक है अथर्ववेद में आता है ये अथर्ववेद अथर्ववेद में लिखा हुआ है किताब नंबर बीस में पाठ नंबर फिफ्टी एट में मंत्रा नंबर तीन में देव महाअसी महान है वो खुदा और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद यह ऋग्वेद चारों वेदों में से सबसे अहम है वेद है ऋग्वेद ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर एक पाठ नंबर एक चौसठ मंत्रा नंबर 46 में एक कम विप्र बहुदा थे जिसके मानी है सत्य एक है खुदा एक है और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर दस पाठ नंबर एक सौ चौदह नंबर पांच में कि आप भगवान को आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर दो पार्ट नंबर एक में तैतीस सिफत तैतीस नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर दो पार्ट नंबर एक मंत्र नंबर तीन में ब्रह्मा ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर। यस। yes. जब हिंदी में कहते हैं इसे कहते हैं बनाने वाला और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं इसे कहते हैं खालिक हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है या बनाने वाला कह रहा है या क्रिएटर पुकार रहा है लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो है और उसको एक अक्स देता है एक प्रतिमा देता है और कहता है कि उसके चार सिर है और हर सिर पे एक मुखट है तो हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं और आप श्वेता श्वेता उपनिषद पाठ नंबर चार श्लोक नंबर उन्नीस के खिलाफ जा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है प्रतिमा अस्ति उस खुदा उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है और एक नाम ऋग्वेद किताब नंबर दो पाठ नंबर एक मंत्र नंबर तीन में है विष्णु विष्णु अंग्रेजी में है सस्ते न चेरिश हिंदी में हम कहेंगे पालने वाला उर्दू या अरबी में कहेंगे रब हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि अल्लाह रब है या पालने वाला है या चेरिश या सस्ते न है लेकिन अगर कोई शख्स विष्णु को कोई अक्स देता है कोई प्रतिमा देता है और कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके चार हाथ है एक हाथ में है चक्रा दूसरे हाथ में है शंख और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर या हवा में उड़ रहा है गरुड़ा पे हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं और आप यजुर्वेद पाठ नंबर 32 मंत्रा नंबर तीन के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्थि उस खुदा उस भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर आठ पाठ नंबर एक मंत्रा नंबर एक में मा चिदन यदि संसद भगवान एक ही है सिर्फ उसकी पूजा करो सिर्फ उसकी तारीफ करो ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर छह भाग नंबर पैतालीस मंत्रा नंबर सोलह में या एक ही एक ही खुदा है एक ही भगवान है उसकी सिर्फ तारीफ करो सिर्फ उसकी पूजा करो और हिंदू धर्म में बुनियादी उसूल फंडामेंटल क्रीड है एक कम ब्राहमिया नास्ते नहना नास्ते किंचन भगवान एक ही है दूसरा नहीं है नहीं है नहीं है जरा भी नहीं, नहीं, नहीं है देर इज ओनली वन गॉड नॉट अ सेकेंड वन नॉट ऑल नॉट ऑल नॉट इन द लीस्ट बिट जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं हमें पता लगता है हिंदू धर्म में खुदा भगवान का सही तस्वुर थी वीडियो जिसमें उन्होंने अपने हवाले से मतलब बुक्स के हवाले से वो दिया है हिंदू धर्म का पता मतलब कि है? है, कि है वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हर एक हो कि बनाने वाला एक ही है खुदा एक ही है लेकिन सभी का अपना अपना तरीका है मानने का हिंदू रिलीजन में यही है वो भी मानते है कि एक ही भगवान है लेकिन उनका तरीका मानने का है ना क्योंकि ये चीज भी लिखा है जो वो है भगवत गीता उसमें ये चीज़ भी लिखी हुई है कि आप मतलब भगवान कहते हैं कि आप मेरे को किसी भी तरीके से मानोगे मैं उसी हाँ। तरीके में आपके पास आ जाऊंगा बट आप मेरे को दिल से मानो वो आप किसी भी तरीके से मानो तो ये चीज़ भी लिखी हुई है इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हिंदू लोग मानते हैं ना अलग अलग गोड्स का कंसेप्ट तभी है इसमें कि अलग अलग गोड क्योंकि मानना तो ये कि भगवान को सभी ने पर किसको कहाँ पे रिलीफ मिलता है किसको किस भगवान के साथ रिलीफ मिलता है मानी जाएगी तो बात एक ही जगह बट hmm. किसके साथ अटैचमेंट है किसके साथ रीफ मिलता है उसको सुकून जहाँ मिलता है वही होना चाहिए ना तो so बाकी ये थी वीडियो yes. डॉक्टर जाके ना की अगर आप और चाहते हो डॉक्टर साहब कहना वीडियोस की ऐसी कुछ इंटरेस्टेड interest, सी तो ज़रूर बताना गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेक्स्ट